नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। दुर्ग जिले का पुरई गांव, जहां एक छोटे से तालाब में तैराकी करने वाले कई बच्चे राज्य और राष्ट्रीय स्तर के तैराक बन गए। पुरई गांव के सी डोंगिया तालाब में तैरकर कई बच्चों ने दर्जनों मेडल जीते। लेकिन आज का दिन इस गाँव के लिए बेहद खास था, क्योंकि गाँव के ही एक तैराक ईश्वर ओझा ने लगातार 6 घंटे तैरकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दुर्ग जिले के पूरे गांव में जबरदस्त माहौल था। हर कोई गांव के बाहर बने डोंगिया तालाब की ओर जाने को आतुर था, क्योंकि आज उनके गांव का ही एक 17 साल का बेटा लगातार 6 घंटे तक तैरकर इस गांव का नाम पूरे देश भर में रोशन करने वाला है। सुबह 10 बजे से बिना रुके 6 घंटे तक लगातार तैरकर ईश्वर ने खुद को सिद्ध कर दिया कि बिना स्विमिंग पूल के, बिना बेहतर सुविधाओं के भी गंदे से तालाब में लगातार तैराकी की प्रैक्टिस करने वाले ग्रामीण इलाके के बच्चे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। पूरे डोंगिया तालाब के चारों ओर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी है, जो ईश्वर का हौसला बढ़ाने में लगे हैं। लगातार 6 घंटे तैरने के बाद शाम वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम द्वारा दिया गया समय खत्म होते ही जब तालाब से बाहर निकाला, तो घर वालों ने आरती उतार कर उसका स्वागत किया। लगातार 6 घंटे पानी में रहकर ईश्वर का पूरा शरीर कांपता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था कि आखिर उसने वह कर दिखाया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।